बहन का सवाल है, बहन सफिया का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, लिखती हैं, आई हैव हर्ड दैट अ स्लेव इज क्लोजेस्ट टू हिज रब एट द टाइम ऑफ सुजूद सजदा, सो कैन वी मेक दुआ ड्यूरिंग सुजूद इन आवर ओन वर्ड्स। बहन का सवाल है कि चूंकि इंसान सजदे की हालत में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है, तो क्या हम हालत सजदा में दुआ कर सकते हैं और अपने अल्फाज में दुआ कर सकते हैं? बहन आपने करेक्टली कहा कि इंसान हालत सजदा में अपने रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि बंदा अपने रब से सजदे की हालत में सबसे ज्यादा करीब होता है। तो चूंकि हालत सजदा में इंसान सबसे ज्यादा रब से करीब है, तो वो दुआ करना पसंद करता है ऐसी हालत में कि वो अपने रब से करीब है। तो अब सवाल ये है कि क्या ओन वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, मदर टंग में, नेटिव लैंग्वेज में दुआ की जा सकती है कि नहीं? थोड़ा सा स्कॉलरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बाद जो मोर एंड मोर डोमिनेटिंग व्यू है स्कॉलर्स का, वो ये कि हाँ की जा सकती है। इसमें शेख बिन बाज में हैं और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह भी हैं कि सजदे की हालत में अपने वर्ड्स में भी दुआ की जा सकती है अगर आपको अरबी जुबान नहीं आती। तो आपको जो कुछ कहना है और मांगना है, अगर आपको वो चीज अरबी में कहना नहीं आता, तो आप अपने ओन वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में भी दुआ कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको अरबिक एज अ लैंग्वेज आती है और अपनी मांगने वाली चीजें आप अरबी में भी कह सकती हैं, जैसे कि आप कहना चाहती हैं कि अल्लाह अल्लाह मुझे बख्श दे, तो बेहतर होगा कि आप कहें अल्लाहुम्मग़फ़िरली अल्लाहुम्मग़फ़िरली। ठीक है, अगर अरबी जुबान आती है तो अरबी जुबान में मांगना नमाज के अंदर सजदे की हालत में ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर आप नेटिव लैंग्वेज में भी दुआ मांग सकती हैं, इसमें कोई शरई हर्ज नहीं है। ज्यादातर स्कॉलर्स की ये राय है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा।